अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्री फलस्तीन। फलस्तीन किसे कहते हैं सर? हमास को? फलस्तीन और हमास बिल्कुल ही अलग चीज है भाई साहब। किसने कहा है? दुनिया ने कहा है, आप आपकी कहाँ रहते अपनी हो? दुनिया। आप कहाँ रहते हो? हम अपने हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का इस वक्त नाम क्या है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का इस वक्त नाम क्या है? गवर्नमेंट मतलब पार्टी, बीजेपी अभी पावर में। बेहतरीन। क्या बीजेपी इंडिया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बेहतरीन। इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया नहीं है, राइट? बीजेपी में पाकिस्तान से लोग आके शामिल हैं? इंडियन है। ओके, तो क्या बीजेपी इंडियन पार्टी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो इंडिया के इलेक्टिव्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या इंडियंस ने उनको इलेक्ट किया है, गवर्नमेंट दी है कि नहीं दी है? बिल्कुल दी है। तो जब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा और पाकिस्तान आगे से जवाब देगा, तो क्या वो बीजेपी को मारेगा या इंडिया को मारेगा? इंडिया को अटैक करेगा। बेहतरीन। वंस अगेन, फलस्तीन इज हमास एंड हमास इज फलस्तीन। हमास फलस्तीन के तो ये जो रामलीला आपने बताई, शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप लेट मी आंसर फर्स्ट। तो जब आप इंडिया और पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो जो काम करती है, तो अटैक गवर्नमेंट पे नहीं होता, अटैक कंट्री भी होता है। हमास गवर्नमेंट इलेक्ट है फलस्तीन की, तो जब हमास अटैक करेगा तो हमास के ऊपर अटैक नहीं होगा, फलस्तीन पे अटैक होगा, क्योंकि फलस्तीन की गवर्नमेंट इज हमास। सर आपको पता है कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों अलग है, ये तो आपको पता होगा। किसने कहा? हमास का हमास हमास की गवर्नमेंट गाजा में, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट। और दूसरी बात, अभी आप मुझे दूसरी बात नहीं, पहले जो बात की उसे खत्म करें। आप लोग बात करके डड्डू की तरह जंप क्यों लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था 1971 से पहले, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक था या दो थे, बताइए सर? क्या बोला? जब 1971 हाँ। से पहले पाकिस्तान ईस्ट तो पाकिस्तान एक ही, और हाँ, ठीक है, एक ही था, एक ही था। बेहतरीन। लेकिन सो जब बंगला, लेकिन नहीं, अभी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट, दे आर सेम रन बाय द सेम गवर्नमेंट। नाउ मैं आपको बता पूछता हूं आपसे, फलस्तीन को, ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसको खत्म करना कितना आसान था, मैं आपसे पूछता हूं। अब आप देखिए इसराइल की बहादुरी, देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अभी तक आप लोगों को बचाए रखा। आप मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट फलस्तीन में, सबर करें सबर करें, फलस्तीन में जो गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर बिजली कहां से आ रही है? पावर प्लांट बिजली के कहां है? इसराइल। परफेक्ट। इसराइल गाजा से कितने पैसे लेता है बिजली देने के? अब ये थोड़ी पता है कितने पैसे लेता होगा। सिफर सिफर सिफर। हमास को और फलस्तीन को मिलियंस के अंदर डोनेशंस आती हैं, जो कि पूरी दुनिया जानती है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कितनी आती हैं। वो उससे सिर्फ और सिर्फ रॉकेट खरीदता है। अच्छा, इजराइल पानी देता है फलस्तीन को, उसके कितने पैसे लेता है? सिफर। इजिप्ट ने बॉर्डर बना दिया हुआ है गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के दरमियान, लेकिन फलस्तीनी लोग जितने भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वो डेली इसराइल का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहां पे आके जॉब करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं और वापस फलस्तीन में जाके खर्च करते हैं, और फलस्तीन में जब खर्च करते हैं तो गाजा उनसे, हमास उनसे जो टैक्स लेता है वो हमास के पास जाता है। फलस्तीन में नौकरी करते हैं, सॉरी इसराइल में नौकरी करते हैं, ब्रो शट अप एंड लिसन एंड देन आंसर। रोज फलस्तीनी इसराइल का बॉर्डर क्रॉस करके चार जगहों पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो कि लीगल क्रॉसिंग है, वहां से इसराइल में दाखिल होते हैं, इसराइल में डेली नौकरी करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं, फलस्तीन में आके स्पेंड करते हैं, जिसका टैक्स हमास लेता है, क्योंकि हमास वहां की गवर्नमेंट इलेक्ट है। अब मुझे ये बताइए, मुझे बताइए कि इस सांप को इसराइल इतनी देर से दूध पिला रहा है, क्यों पिला रहा है? अरे तुमको पता है ना कि जो इसराइल है
वो 42% फलस्तीन को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको देगा ना फलस्तीन कंट्रोल, को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा उनको, नहीं कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, दोबारा से आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं करता। आप मुझे बताएं 1947 में, सबर करें, अरे विकिपीडिया पे जाओ यार, अरे अरे सबर करें। अब आप मुझे कहना चाह रहे हैं दिल्ली जो है वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट? हाँ ओके। कश्मीर जो है वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट? जी ओके। तो जो इंडिया कंट्रोल कर रहा है, देखो, और जो और जो और जो और जो मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, नहीं मैं तुम्हारी सिंपल क्वेश्चन, शट अप, आपका दिमाग खुलना बड़ा जरूरी है इन चीजों के लिए, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। तुम लोग सुन के आ जाते हो, तुम्हें दो रुपए की अकल नहीं है, दो रुपए की अकल नहीं है, लिटरली स्पीकिंग। अगर दो रुपए की जियो पॉलिटिक्स सुनी होती तुम आज ये बकवास ना करते। इंडिया दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर रहा, दिल्ली वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, गधे के बच्चे। इंडिया कश्मीर को कंट्रोल नहीं कर रहा, कश्मीर वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया कल को जो दूसरी साइड का कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, कल को वो उसको अगर कंट्रोल करेगा तो वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा। वो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था जो 1947 में टूट गया। इसी तरह इजराइल किसी भी एरिया को कंट्रोल नहीं कर रहा, 1947 में ऑलरेडी डिविजन हो गया था इस लैंड का। अगर इजराइल फलस्तीन अटैक ना करता तो इजराइल कभी भी अटैक ना करता, इजराइल रिटेलिएट करता है अगेंस्ट दी अटैकर। 1965 में अगर इंडिया पीछे ना हटता यूएन के प्रेशर में आके, तो आधा लाहौर इंडिया में होता। समझ लगी? देखो पहली बात, अगर तुमने मां का दूध पिया ना तो मुझे बैकस्टेज, मैंने माँ का दूध पिया हुआ है, और तुम्हारे इस बकवास करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मोहम्मद ने माँ का दूध नहीं पिया था, इसीलिए उसने इस किस्म की बगैरतियां दी थी आप लोगों को और आपको समझ नहीं आई थी। मोहम्मद ने माँ का दूध नहीं पिया हुआ था, ये बात हमेशा साबित है, क्योंकि मोहम्मद के पैदा होते ही मोहम्मद की माँ ने उसको एक ऐसी औरत को दे दिया था जिसके पास ऊंटनी भी बूढ़ी थी और गधी भी बूढ़ा था। ये मैंने इसी सीरीज की पार्ट वन में दिखाया था। तो माँ के दूध की गाली मेरे को ना देना। तुम्हारा मोहम्मद इतना बेगैरत था, इतना अपंग था कि उसकी माँ ने उसको अपना दूध भी नहीं पिलाया, और उसकी माँ में प्रॉबेबली दूध भी आता होगा उसके थनों में, और वो रोज दर्द से करहाती थी। ऑब्वियसली उसको दर्द होता होगा अपने थनों के अंदर, और बहुत ढेर सारा दर्द होता होगा, लेकिन वो उस दर्द को सहती थी। मगर उसने अपने बेटे मोहम्मद को दूध नहीं पिलाया था। तो मुझे बेटा ये माँ के दूध वाली गाली ना देना, तुम्हारे नबी के ऊपर पूरी पूरी उतरती है। इज्जत तरीके से बात करो और इज्जत से बात करो, और पॉइंट देने के बाद जंप नहीं करना। अगर तुम वेट करोगे पॉइंट देने के बाद, मेरी बात का रिबटल भी लोगे, तो मैं तुम्हें बैक स्टेज नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम बात करते ही करोगे और एक और बात, तो मैं तुम्हें बैक स्टेज करूंगा दोबारा भी। जी सर, देखो इज्जत कौन करता है तो सबको पता है। दूसरी बात, अगर तुम मोमिनों से यहाँ पे इज्जत कौन करता, मैं तुम्हें अब भी समझाया है कि मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा अगर तुम दूसरी बात लेके आओगे बीच में। अनलेस तुम एक बात करो और उसके बाद वेट करो और मुझे मौका दो उसका जवाब देने के लिए, मैं तुम्हें बैक स्टेज नहीं करूंगा। डोंट गो फॉर और दूसरी बात। लिहाजा पहली बात आपने की है, इज्जत कौन करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। जी सर, भाई बोलने तो दो, मैं दो सेकंड दूसरी बात में नहीं जाओगे, दूसरी बात में जाओगे, पहली बात, पहली बात में रुको, मैं भी एक मिनट लेता हूं। नहीं, पहली बात पे रुको, दूसरी बात में जाना, दूसरी बात नहीं जाना, पहली बात पे रहना है। इज्जत कौन करता है समझाएं पहले। तुम्हारी स्ट्रीम में तकरीबन अगर मैं गालियां काउंट करूं ना तो तुमको पता चलती है तुम कितना गाली देते हो। मैंने अभी 59 मिनट हो चुके हैं, मैंने अभी तक गाली नहीं निकाली। अच्छा नहीं निकाली जी। अच्छा अगर मैंने आपकी स्ट्रीम से गाली निकाली फिर जाए निकाल के तो तुम बाय। अब आपको मैं किक आउट कर रहा हूं स्ट्रीम से गाली लेके, 59 मिनट से ओके जाके गाली लेके फिर आपसे बात करेंगे आगे। ओके, तो ये थे जनाब हमारे अपंग लोग जिनको दो रुपए का पता नहीं है और बात कर रहे हैं। वंस अगेन मैं गुस्से में आता हूँ इस किस्म के लोगों की हरकतों की वजह से।
टॉपिक भी इन्होंने चेंज किया, मैं इनके साथ चला भी, लेकिन मैं अब आपको बताता चलता हूँ कि सिचुएशन क्या है इसराइल और फलस्तीन की। मेरा टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है बट दैट्स फाइन, थोड़ा सा मैं बता दूं। फलस्तीन में किसी किस्म की कोई नौकरियां नहीं है सवाए मजदूरियों के। जितने भी फलस्तीनी हैं वो इसराइल में आके नौकरियां करते हैं, इसी वजह से बॉर्डर्स के ऊपर डेली लोगों को इन आउट किया जाता है। इसराइल अगर चाहे तो फलस्तीन को एक बकेट वाटर की ना दे। आप लोगों ने बड़ी वीडियोस देखी होंगी, देखे तीन दिन से मैंने बाल नहीं धोए, शैंपू नहीं किया, ये आप हमारी छत पे टंकियां देख रहे हैं। जब इसराइल पानी देता है तो हम टंकियां भर लेते हैं, फिर अब खोती के बच्चों, इसराइल को आप एक रुपया पानी का बिल देते हो? डू यू पे अ सिंगल पेनी टू इसराइल? तुम्हारी गवर्नमेंट उन तमाम पैसे जो तुमसे लेती है उसके बम और मिसाइल खरीदती है उस इसराइल पे दागने के लिए जो आपको पानी देता है। इसराइल ने बिजली काट दी, फोन नहीं चल रहे, सेल टावर मत, सेल टावर इसराइल के, बिजली इसराइल की, पैसे देते आप हमास को और हमास आपके वो पैसों से बम लेके इसराइल पे दागता। क्यों दे तुम्हें सेल टावर, क्यों दे तुम्हें बिजली? इसराइल मुसलमानों को मार, हमास ने 5,000 मिसाइल विद इन एन आवर फेंके इसराइल पे, इसराइल के औरतें बच्चे सारे मरे। इसराइल ने फौरन रिटेलिएट नहीं किया, तीन दिन दिए। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर नहीं खोला, क्यों नहीं खोला? इजिप्ट ने बॉर्डर इसलिए नहीं खोला कि ये तो हमासी लोग हैं, हमारी कंट्री में आके, इजिप्ट में आके भी ना तबाहियां मचाएंगे, इसलिए उन्होंने बॉर्डर नहीं खोला। दूसरा ने बॉर्डर क्यों नहीं खोला? अरे अगर ये लोग मरेंगे नहीं इसराइल के मिसाइलों से तो हम दुनिया में विक्टिम कार्ड कैसे खेलेंगे? तीसरा रीजन, जब ये मरेंगे नहीं विक्टिम कार्ड हम खेलेंगे तो फिर इनको वेस्टर्न सेक्युलर क्रिश्चियन जो है ना अपनी कंट्री में ले लेंगे और फिर इस्लाम का बोलबाला होएगा वेस्टर्न कंट्रीज में। वहां पर जब ये बम फोड़ेंगे तो हम चीखे मारेंगे ये इस्लाम नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रू इस्लाम, ये रेडिकल इस्लाम है, हम चीखे मारेंगे। और फिर उसके बाद यही इस्लाम वहां पे फैलेगा और पनपेगा और वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। एक सेक्युलर क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को बोलेगा तू झूठे साले, तेरे में जीसस क्राइस्ट का लव नहीं है, यू डोंट हैव द लव, यू डोंट शो द लव, यू डोंट शो द, ओह टर्न द अदर चीक, अपने दूसरे चीक सामने खा दे। तो एक क्रिश्चियन ही दूसरे क्रिश्चियन को चिपेड़े कराएगा और ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हम वहां पे बच्चे पैदा करते रहेंगे और बम फोड़ते रहेंगे। और जब भी बम फूटेगा तो जो सच बोलने वाला बोलेगा ओ ये इस्लामियों ने मारा, बम मारा, ये कुरान से साबित होता है, ये हदीस से साबित होता है, तो दूसरे बोलेंगे नहीं ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो उस वक्त के लिए थी, इस वक्त के लिए नहीं है। और क्रिश्चियन आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और वहां पे सेक्युलर्स और क्रिश्चियंस की हम लड़ाई कराएंगे, वहां पे हम सेक्युलर्स और क्रिश्चियंस को आपस में लड़वाते रहेंगे, वो कुत्ते की तरह लड़ते रहेंगे और हम पीछे पीछे पनपते रहेंगे और फिर एक दिन वो मुल्क भी अपना कर लेंगे आबादी के लिहाज से। बहुत खूबसूरत गेम प्ले किया, आई लव इट। इस्लाम आपको कुछ और सिखाए ना सिखाए, जंग की शातरपना जरूर सिखाता है। मोहम्मद का कहा था जंग में कोई कानून नहीं होता, जंग इज डिसेप्शन, जंग वॉर एक डिसेप्शन है, एक मकरो फ्रेब है और उसके अंदर कोई रूल नहीं है। मोहम्मद ने कहा वॉर इज डिसेप्शन, जाए सर्च करें मल्टीपल हदीस से। बहुत बेहतरीन खेला इन्होंने, बहुत बेहतरीन खेला इसराइल जो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा है फाइनली इतने सालों के बाद। उसने कहा यार अगर मैंने अपनी अपनी कौम को मरने से बचाना है तो आई हैव टू फिनिश हमास फॉरएवर। फाइनली 5,000 मिसाइल, यार 5,000 मिसाइल छोटे होते हैं, कम होते हैं, 150 नहीं 5,000। इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी इसराइल के पास, और वो पेनिट्रेट करके इससे अच्छी एंटी मिसाइल अम्ब्रेला आयरन डोम जिसे कहा जाता था किसी और के पास थी दुनिया में, लेकिन 5000 मिसाइल एकदम उसको ओवरलोड कर दिया। दुनिया की हिस्ट्री में इतने मिसाइल इतने थोड़े टाइम में कभी नहीं दागे गए। टैक्स वो नहीं दे रहे, बिजली का बिल वो नहीं दे रहे, पानी का बिल वो नहीं दे रहे, मोबाइल का बिल वो नहीं दे रहे, सारे टैक्स हमास ले रहे हैं, उधर से मिसाइल खरीद रहा है, पूरी दुनिया से जो डोनेशन आती है उस डोनेशन से आज तक हमास ने इसराइल के लिए क्या बनाया? बाबा जी का ठुल्लू हो के रहा है। हम मजलूम तो हमास इलेक्ट कैसे है? निकालो ना, जब हमास ने 5000 मिसाइल मारे तो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग गए। उस वक्त किसी ने नहीं कहा हमास ने गलत किया है, हमास ने गलत किया है, आई कंडेम हमास। नहीं, ये जो सारे सेक्युलर मुसलमान इस वक्त कह रहे हैं हम कंडेम करते हैं हमास को, कुत्ती मां के बच्चों, जिस वक्त उन्होंने मिसाइल दागे थे उस वक्त कंडेम क्यों नहीं किया था? जब इसराइल ने रिटेलिएट किया तो आप हमास को कंडेम करते हो? क्यों? क्योंकि यू कंडेम हमास, लेकिन साथ में कहते हो फलस्तीन जिंदाबाद, कुत्ती के बच्चों, उस वक्त क्यों नहीं किए? इसलिए मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, इसलिए निकलती हैं। ये जितने मौलाना मुफ्ती सारे के सारे हैं, जब इसराइल ने रिटेलिएट किया वापस से मिसाइल दागे, सारे उठ खड़े हुए, हम तो कंडेम करते हैं हमास को, हाय 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 इसराइल बच्चों औरतों को मारा, कुत्ती के बच्चे, जब उसने मारा था 3 दिन तक क्यों नहीं किया? उस वक्त न्यूज चल रही थी, उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त तुम फलस्तीन जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जब इसराइल ने वापस मारा तो अल्लाह हकीर, अल्लाह असगर, उस वक्त। और ये सेक्युलर लोग हमारे साथ खड़े हो, ह्यूमैनिटेरियंस हमारे साथ खड़े हो, उस वक्त जब हमास ने अटैक किया था तब ह्यूमैनिटेरियंस को क्यों नहीं आवाज दी थी? स्टूपिड सेक्युलर्स, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इन सेक्युलर लंब्रांडुओं से जो है ना खत्म हो गई है दुनिया। दैट्स द रियलिटी। फिर बोलते हो एडम को गुस्सा आता है, ब्रेक।